बिना बालक के ही बालक से हित लगा हुआ है। कई दादी हैं जिनको पोता नहीं है, नहीं है तो भी हित है। हम इतना सबके बारे में सोच सकते हैं, जुड़ सकते हैं, पर जीवन जिसने दिया है उससे जुड़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तूने राम नाम नहीं गाया रे कभी बैठ कहीं जंगल में, है मामा के पास बैठ लिया, जीजी के पास बैठ लिया, साले के पास बैठ लिया, मित्र के पास बैठ लिया, बिचौलिए के पास बैठ लिया, दलाल के पास बैठ लिया, पर जहां बैठना चाहिए वहां नहीं बैठ रहा है। खाली पेट भरने के लिए देश विदेश सब यात्रा कर रहा है, पर कल्याण के लिए कोई यात्रा का टाइम नहीं उसके पास। फिर कैसे सुख मिलेगा, फिर कैसे होगा संसार, फिर कैसे लाभ होंगे संसार के, फिर गृहस्थ कैसे सफल होगा। इतना कितना बड़ा पेट है तेरा जो तू अपना घर छोड़ के यहां वहां कहां कहां भटक रहा है। अरे हार्ट अटैक होके मौत आ गई तो लाश नहीं आएगी भारत में, आएगी तो बासी हो जाएगी, रोने वालों के आंसू सूख जाएंगे। खाने कमाने के माया के प्रपंच के बीच में आदमी यत्र तत्र सर्वत्र जुड़ सकता है, चित लगा सकता है, हित लगा सकता है। अच्छा बुरा जो भी करना होगा सब करेगा, पर निज कल्याण के लिए करने के लिए उसके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। कैसे उसका कल्याण हो, कैसे उसका उद्धार हो, कोई फार्मूला नहीं है। आदमी बुरे से बुरा काम कर सकता है। अरे भैया जिनके साथ तेरा संबंध नहीं, पहचान नहीं, जान नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, फिर कैसे तू कैसे फिर सोच सकता है किसी के बारे में खराब, पर सोच लेता है। जान ना पहचान फिर कैसे तू मोहब्बत कर लेता है, कर लेता है। जाति उम्र चिल्लाए तू गया खो उपवन में, तूने राम नाम नहीं गाया रे कभी बैठ कहीं जंगल में। अच्छा जंगल में कभी कभी बैठते तो हम हैं, कभी कभी बैठते किस लिए, बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए, कार में प्रेशर हो गया, बन गया, चलो भाई क्या करें, यहाँ टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है, कहाँ जाएं क्या करें, तो सड़क के गड्ढों में खिसक जाते हैं। फिर जंगल में बस पेट खाली करने के लिए जंगल प्रिय है, भजन करने के लिए जंगल प्रिय लगता नहीं है। गंदगी वहां जाके फैलाएंगे पर भजन के लिए कोई जगह चुनते नहीं। अरे ये काया, ये माया, ये जीवन परमात्मा ने सौंपा है। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी और उस माया के मध में आकर दीने मकान बनाए, कोठी बंगले सब खड़े हो गए, पर उन कोठी बंगलों का आनंद लेने के लिए हम जिंदे तो रहें, उनके लिए हम निरोगी तो रहें, उसके लिए मेरा स्वास्थ्य तो अच्छा रहे, उसके लिए वातावरण तो अच्छा रहे, वो कैसे खड़ा होगा। इतना बढ़िया बेड बनवाया, इतना फर्नीचर अच्छा है, पर वातावरण इतना बिगड़ गया है कि उसमें कोई सुख मिलता नहीं है, चिंता टेंशन परेशान। अरे तूने कब हुन हेत लगाया रे कभी बैठ कहीं जंगल में।